मैट्रिक्स को हम लोग पूरे अच्छे तरह से कवर करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए हम लोगों से। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को देंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उन सभी क्वेश्चन के टाइप को हम लोग करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए मैट्रिक्स में, तब जाकर हम मैट्रिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सबको हम लोग बना पाएंगे। इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो मैट्रिक्स होता है वो आप लोगों को पता है कि जो रेक्टेंगुलर, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे में, रेक्टेंगुलर एरे विथ ऑर्डर, रेक्टेंगुलर एरे विथ ऑर्डर, रेक्टेंगुलर एरे में होता है विथ ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है मैट्रिक्स। और इस रेक्टेंगुलर एरे में होता क्या है, तो ये फंक्शन हो सकता है, फंक्शन या नंबर, फंक्शन या नंबर, ध्यान रखिए इस बात को। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 3, -3 भी ले देंगे, तो ऐसे हमारा क्या है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में रो कौन कहलाता है, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, इसको देखिए ऐसे जो दिए गए हैं यहाँ पे ये सभी क्या होते हैं, रोज होते हैं। और यहाँ पे जो दिए गए हैं ऐसे 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 ये हमारे सब क्या होंगे, ये कॉलम्स होंगे। और इसके सारे जो 2, 5, 7, 3, 6, 8 दिए गए ये सब एलिमेंट कहलाते हैं और इस एलिमेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर मान चलिए ये ए कोई ये मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं ए आई जे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इंटू एन। एम इंटू एन क्या है, हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर बताएंगे कैसे निकालते हैं। और इसको अगर लिखना हो ऐसे तो इसको भी किस तरह से, इसका फॉर्म क्या होता है लिखने का, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे रो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है ये और एक नंबर पे है तो इसलिए वन वन। अब एक फर्स्ट नंबर कॉलम है, अब देखिए सेकंड रो के फर्स्ट ही नंबर कॉलम है इसलिए वन ए टू वन, मतलब कि सेकंड रो है और कॉलम कितना है, फर्स्ट ही कॉलम है। यहाँ पे देखिए रो कितना है, थर्ड रो है लेकिन कॉलम कितना है, फर्स्ट, तो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम है। तो इस तरह से इस सभी को क्या किया गया, सभी एलिमेंट का प्लेस इस तरह से डिसाइड किया जाता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एम इंटू एन क्या, यहाँ भी एम इंटू एन लिखेंगे। एम इंटू एन क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे, ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें रो कितने हैं, रो वन टू थ्री, थ्री रो है, तो हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बोलता है कि वन और जीरो इन्हीं दो नंबर को लेकर थ्री इंटू थ्री का कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, थ्री इंटू थ्री का कितना मैट्रिक्स बनाया जाता है इसी को लेकर, मतलब कि इसी को फेर बदल करके कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हमारे पास एलिमेंट कितना है, मतलब नंबर कितने हैं, दो, तो दो लिख देंगे। ऑर्डर नंबर कितना है, थ्री इंटू थ्री, तो थ्री थ्री से क्या होगा, नाइन, तो टू के पावर में नाइन लिख देंगे, तो ये 512 हो जाएगा, यानी 512, यानी 512 मैट्रिक्स हम इसका यूज करके थ्री इंटू थ्री का बना सकते हैं। इसी तरह पूछ देता है कि थ्री इंटू टू का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, थ्री टू या सिक्स, इसके पावर में सिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो गया, ऐसा मैट्रिक्स दे देगा, पूछेगा कि ए 32 का वैल्यू बताओ, ए 32 का, तो ए 32, तो ए 32 मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम में कौन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमारा क्या आया, ये आया ए 32, तो हम क्या लिख देंगे, 2, ए 32 कितना हमारा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे निकालने के लिए भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग फटाफट देख लेंगे। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम हो, कॉलम ओनली वन कॉलम, केवल एक ही कॉलम हो, वही क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये ले लीजिए 2, 3, 4, इस तरह से जो मैट्रिक्स है ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर रो मैट्रिक्स आप लीजिएगा तो इसमें क्या होता है, ओनली वन रो, केवल एक ही रो होता है, हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा 2, 3, 5, 6, इस तरह से लिखा होता है, हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, यानी कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगा, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल। तो कहने का मतलब क्या, कैसे मैट्रिक्स 2, 3, 4, 5 ऐसे मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाएंगे, ये मैट्रिक्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो जितना है उतना ही कॉलम है। कहने का मतलब क्या कि ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे देगा, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और एम इंटू एन में है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्राइटेरिया है इसमें, तो इस क्राइटेरिया बहुत दिया होगा, एम ग्रेटर देन एन, एम लेस देन एन और एम इक्वल टू एन। तो देखिए, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, और ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, तभी ना ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे मैट्रिक्स दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लिखने का एक तरीका है मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है,
डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर और सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब देखिए कैसे, अगर यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 0 3 लिख रहे हैं तो क्या होगा, डायगोनल क्या है इसका, एलिमेंट है डायगोनल और सब क्या है, जीरो। अब देखिए अगर अगर इसी का अगर ले लें 3 को वाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 0 0 0 3 0 0 0 -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए इसका डायगोनल वाला एलिमेंट है और सब क्या है, जीरो। तो डायगोनल वाला एलिमेंट होना चाहिए और सब जीरो, तो क्या कराएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कराएगा। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ये इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और स्केलर में जो स्केलर जो मैट्रिक्स होगा उसमें जो डायगोनल में एलिमेंट होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या कि ऐसे कि 2 0 0 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा स्केलर। अगर इसको स्केलर बनाना है सब जगह 4 4 अगर ये है ऐसे लिखा हुआ है तो ये फिर हमारा क्या होगा, डायगोनल नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा स्केलर, क्योंकि ये डायगोनल इसका डायगोनल वाला एलिमेंट दिए है और सारे इक्वल है, तो ये हमारा हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, ये वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में क्या हो, ओनली वन, जैसे अगर ऐसे लिखा हो तो 1 0 0 1 क्या हो गया इसका, यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल में क्या है, 1 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल पे क्या हो, उसके एलिमेंट 1 1 हो तो हमारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मान चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा बना 3 वाला तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग एक नल मैट्रिक्स में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा नल मैट्रिक्स। और इस जीरो मैट्रिक्स का क्या होगा कि ऑल एलिमेंट इसके जीरो होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से भी डिनोट करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम यहाँ पर लिख दें 3 4 और यहाँ एक्स वाई और ऐसे दे दें 3 4 5 और यहाँ पे 6 और बोल दें कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब तो इक्वल कैसे होंगे, तो प्रत्येक कंपोनेंट इसके क्या हो, आपस में इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि इक्वल कब होगा मैट्रिक्स, जब यहाँ पे सेम एलिमेंट हो दोनों में, सेम एलिमेंट। अब सेम कहने का मतलब क्या है कि ए 1 1 पे जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट ए 1 1 पे इसमें भी हो, ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सेम हो, इस पोजीशन पे सेम हो, तो ये भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो हमारा x इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x 5 के इक्वल है तो 5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x 5 y 6 हो गया। तो ये कैसे बना, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बनाए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐड कैसे करते हैं, एडिशन। तो एडिशन में हम ले लेते हैं दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है जो कि 2 3 5 6 है और एक बी मैट्रिक्स हमारे पास है जिसको हम ले लेते हैं 2 4 -3 और 5। ए प्लस बी हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे सिंपल कि ए प्लस बी जब निकालना है तो ए वाले को लिखेंगे 2 3 5 6, फिर क्या करेंगे हम प्लस देंगे, बी वाले को लिखेंगे 2 4 -3 5, और जब इसको ऐड करने हम जाएंगे तो क्या होगा कि इस प्लेस वाले को इस प्लेस वाले में ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा ए 1 1 वाले प्लेस को ए 1 1 वाले में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 2, तो 2 + 2 लिख देंगे, यहाँ 5 3, तो 5 + -3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे हमारा कितना है 3 4, तो 3 + 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे कितना है 6 और प्लस यहाँ पे कितना है 5, ऐसा हो जाएगा। जब इसको हम बनाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 7, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 11, ये हमारा एडिशन हो गया। अगर सबट्रैक्शन कोई बोल दे तो सबट्रैक्शन जानने से पहले हम आप लोगों को निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बता दे रहे हैं, ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है इसका हमको निगेटिव निकालना है, जैसे ये ए मैट्रिक्स हो गया तो इसका निगेटिव निकालना है मतलब माइनस ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 -2 -3 -5 -6, ये हमारे क्या हो गया निगेटिव मैट्रिक्स हो गया। तो अगर ए माइनस बी हमको निकालना है, अब देखिए ए माइनस बी निकालना है तो उसको बताएंगे, अब इसमें देखिए निगेटिव बनाते समय यहाँ पे तो प्लस 5 था, सब प्लस में था तो सब माइनस में हो गया, अगर कोई यहाँ पे माइनस में 2 रहा था तो ये क्या हो जाता है, जब इसको निगेटिव बनाया जाता है तो ये दोनों प्लस में हो जाता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर ए माइनस बी हमको निकालना है तो सिंपल जैसे इसको ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं ए प्लस माइनस बी, मतलब माइनस बी इसका निकाल लेंगे फिर प्लस लिखकर तब बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी डायरेक्ट लिखे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं हम 2 में से 2 गया 2 - 2, ए माइनस बी करना है तो एलिमेंट को घटाएंगे 5 और माइनस यहाँ पर करेंगे और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस होगा कि नहीं, बीच में माइनस है यहाँ पे और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ 3, अब यहाँ पर 3 - 4 यहाँ पर 6 - 5 कर लीजिए, जो आया वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा वन, ये हमारा हो गया सबट्रैक्शन इसका। अब क्या है तो अगर किसी स्केलर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर, तो स्केलर कोई ले लेते हैं हम टू ले लेते हैं, टू से हम क्या कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो टू से सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू फाइव, टू इंटू थ्री, टू इंटू सिक्स, सब में मतलब इसके सारे कंपोनेंट में टू टू सूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा फोर सिक्स टेन ट्वेल्व, ये हमारे क्या हो जाएंगे टू ए का वैल्यू हो जाएगा। अब दो मैट्रिक्स अगर दिया हो तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है टू थ्री फोर सिक्स, बी कोई मैट्रिक्स है थ्री फोर टू वन। अब क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए भी निकालना है, तो ए भी निकालते कैसे है, तो दोनों को पहले लिख लेंगे टू थ्री फोर सिक्स, फिर इसी के बगल में इसको लिख लेंगे थ्री फोर टू वन। अब जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले रो से फर्स्ट वाले कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करके लिख देंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट वाले रो से सेकंड वाले कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, रो में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम और लिखेंगे किस में, रो में। जैसे इस रो को और इस कॉलम को लेते हैं तो टू थ्री जाए कितना हो जाएगा सिक्स, और फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना है फोर फोर जाए सिक्सटीन, ठीक है। अब क्या करेंगे इसी रो से फिर इसमें करेंगे, और लिखना कहाँ है, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे कि यहाँ, तो रो बनाना है रो, तो इसके बगल में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इससे तो इसमें हो गया, अब इसमें करते हैं, तो टू से टू में करेंगे तो टू टू जा फोर, और फिर फोर से वन में करेंगे तो फोर वन जा फोर। अब हम क्या करेंगे कि इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, फिर प्लस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर। अब क्या करेंगे कि इसी रो से इस कॉलम में करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स, फिर प्लस, फिर सिक्स वन जा सिक्स, और फिर क्या करेंगे ए कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू, ए कितना हो जाएगा थर्टी थ्री, एट ट्वेल्व, ये हमारे क्या हो गए मल्टीप्लीकेशन हो गए। अगर तीन वाला हम लिए रहते तो सेम वही करते, तीन भी लिए रहते तो वही करते। एक शॉर्ट अपलोड किए जिसमें तीन का बताए हुए बहुत ही अच्छे से, उसको आप लोग देख लीजिए। अब जब मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई सीख गए, ऐड सीख गए, तो ऐड और मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ लॉ हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉ इसमें लग रहे हैं, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पहला हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ कौन फॉलो करता है। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वही फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेना है कि ए एक मैट्रिक्स है, एक बी है, एक सी है, ये ले लेना है कि आगे बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी तीन तो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं मैट्रिक्स को और बी प्लस ए करेंगे तो दोनों क्या आएगा आपस में इक्वल आएगा, लेकिन अगर ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा, यानी मल्टीप्लाई पर कम्यूटेटिव लॉ लागू नहीं होता है, एडिशन पर लागू होता है। अब देखिए एसोसिएटिव जो लॉ हम लोग का होता है वो अगर ए प्लस बी हम करें और प्लस सी कर दें या ए प्लस बी प्लस सी कर दें तो क्या होगा, ये लागू होता है, मतलब कि ऐड पे लागू होता है और फिर से मल्टीप्लीकेशन पे भी लागू होता है। ए बी और इंटू सी कर दें या ए इंटू बी इंटू सी कर दें तो भी क्या होगा, ये ट्रू है। अब थर्ड देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कहने का मतलब क्या कि ए प्लस ओ अगर हम करते हैं, ए प्लस जीरो कोई जीरो मैट्रिक्स है उसको ए में अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और अगर जीरो मैट्रिक्स में भी ए ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, यानी जीरो हमारा क्या हो गया एडिटिव, ए जीरो जो है वही हमारा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब देखिए थर्ड फोर्थ नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या होगा कि अगर ए में हम आई से मल्टीप्लाई करें या आई में हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलता क्या है, ए ही मिलता मिलेगा। तो ये जो इसमें आई है, आई वो हमारा क्या है, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। पांच नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स,
देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए में माइनस ए को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, या हम माइनस ए में क्या करें ए को ऐड करें तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि क्या है इसके इनवर्स भी डिपेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडिटिव इनवर्स अगर निकालना हो, ए का इनवर्स निकालना हो तो माइनस ए हो जाए। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर के कोई स्केलर है और ए प्लस बी मैट्रिक्स है तो इसको बनाएंगे तो के ए प्लस के बी हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्या हो कि एल प्लस एम ये दोनों स्केलर हो और हम क्या करें कि इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा एल ए प्लस एम ए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी ट्रांसपोज को ए डैस इससे डिनोट किया जाता है, ट्रांसपोज को अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो रो इस तरह आ रहा है उसको कॉलम मतलब कि इस तरह कर देंगे, तो यहाँ पर 2 है 3 है तो 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर ये जो कॉलम आ रहा है उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो 4 5 हमारा ऐसे हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोज में मतलब ट्रांसपोज कैसे निकालना है, जो भी कॉलम दिया होगा उसको रो में, जो भी कॉलम दिया होगा उसको रो में, या जो रो दिया है उसको कॉलम में, देखो 2 4 रो में था 2 4 कॉलम में हो गया, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, जो ए डैश फिर डैश दे दे तो हम क्या करेंगे, एक कोई है उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो फिर हमको ए ही मिलेगा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि अगर ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ए बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और इसका ट्रांसपोज दिया हो तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी नहीं होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर ऐसे दे दें के ए का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, के ए का ट्रांसपोज के बाहर केवल ए पे ट्रांसपोज लग जाएगा। अब इस ट्रांसपोज से रिलेटेड आता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है सिमेट्रिक कब हो, तो अगर क्या हो कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हुआ हो और ए का हम क्या है ट्रांसपोज निकालें और इस मैट्रिक्स और इस ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू क्या हो इक्वल हो, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है यही हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए है इसका ट्रांसपोज निकाले और ए और ट्रांसपोज दोनों बराबर ही है तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए कोई मैट्रिक समझिए इसका ट्रांसपोज निकाले, अगर ए जो होगा वो इसके ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा ए क्या कहलाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक, मतलब कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होगा सिमेट्रिक हमको प्रूफ करना हो तो हम उसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर देखेंगे कि उसका ट्रांसपोज जो है वो ए के निगेटिव या मतलब ए जो है उसी के इक्वल आ रहा है लेकिन निगेटिव में आ रहा है क्या, अगर वो निगेटिव में आएगा इसका मतलब क्या है वो एसक्यू सिमेट्रिक। जैसे अगर कोई मैट्रिक समझ लेते हैं ए इज इक्वल टू यहाँ पे ले लें 2 4 5 इधर भी ले लें 4 5, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ और ले लें 4 यहाँ पे ले रहे हैं 1 तो इधर भी 1 होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ भी ले रहे हैं 7, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आने का चांस है, निकालिए तो ए डैश जब निकालेंगे तो इस रो को कॉलम में करेंगे तो 2 4 5 ही आएगा, इस रो को फिर कॉलम में करेंगे तो 4 4 1 ही आएगा, इस रो को फिर कॉलम में करेंगे तो 5 1 7 आएगा, तो देखिए तो इसका ये और इसका ट्रांसपोज दोनों बराबर आए कि नहीं, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा ना, अगर इसको हम बनाएं और सारे माइनस में आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसी तरह से सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक जानेंगे, लेकिन ये नहीं पूछता है एग्जामिनेशन में क्या करेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा ए और बोलेगा कि इसको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखिए, तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में कैसे लिखते हैं इसको समझ, कोई हमारे पास ए यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिया है 2 3 4 तीन ही ऑर्डर वाला ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को बोला है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक में बनाइए, तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे और उसको सम के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ए दिया हुआ है तो हम पहले एक पी लेंगे क्या मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, और पी को किसके बराबर लेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे कहीं पे यहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद पी करके ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर जो आएगा हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का फिर एक ट्रांसपोज निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये और इसका ट्रांसपोज इक्वल ही आएगा, तो अगर ए और इसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया इसका मतलब ये हमारा जो है ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक और क्यू लेंगे और इसमें क्या करेंगे ए माइनस ए डैश करेंगे, ये ए और ए डैश रहेगा इसका माइनस निकालेंगे, जब माइनस निकालेंगे तो फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, फिर इस क्यू का क्यू डैश निकालेंगे तो देखेंगे कि क्यू और क्यू डैश तो क्यू इक्वल माइनस क्यू डैश आ जाएगा,
इसका मतलब क्या है कि क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक। जब एसक्यू सिमेट्रिक हो गया, एक सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, तो अब सम के रूप में लिखने जाएंगे। तो जब सम के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, इन दोनों को जोड़ नहीं देंगे हम, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू और पी और फिर वन बाई टू क्यू, क्या, क्योंकि पी का वैल्यू कितना है हमारा, वन बाई टू ए प्लस ए डैश और फिर प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है, और अगर हम इन दोनों को केवल सम करें, इसमें वन बाई टू नहीं लें, तो जोड़ने पर हमारा ये मिल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू ए मिल जाएगा, इसका दोगुना मिल जाएगा, लेकिन दोगुना नहीं होता है। जो सम होता है एसक्यू और सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का, वो क्या होता है, तो उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाता है बनाने, ठीक है। तो बस हम इसको इस सम के रूप में लिख देंगे, दिखा देंगे कि सम के रूप में लिखे हैं, फिर उसी मैट्रिक इसी मैट्रिक्स को फिर लिख देंगे। तो हमारा स्टेप ये होगा, पहला ये, फिर ये निकालेंगे, फिर इतना मानकर ये निकालेंगे, फिर ये निकाल कर हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, क्यू लेंगे और क्यू को ऐसा वैल्यू लेंगे और इसको दिखा देंगे कि ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है। दिखाने के बाद सम लिखेंगे, सम में वन बाई टू, वन बाई टू लगा कर लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला लिख देंगे, इतना छोड़कर डायरेक्ट ए को ही लिख देंगे। ये हमारा हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक इनवर्स निकालना सीखेंगे, कैसे। एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, तो केवल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा तो भी इसी रूल का यूज करेंगे, अगर बोलेगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन तो भी इसी रूल का, और बाय अगर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिए तो भी इसी रूल का यूज करेंगे। अब देखिए, इनवर्स निकालने का एक और तरीका होता है जिसको हम आप लोगों को बताएंगे, जब एडजॉइंट पढ़ा देंगे तो फिर बताएंगे कि एडजॉइंट का यूज करके आप इनवर्स कैसे निकालिएगा, पहले इसका यूज करके इनवर्स हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा कि हमको यहाँ पे ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, तो कुछ रूल होते हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, और ए जो जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लेंगे, और इधर वाले ए को ए ही रहने देंगे, इधर वाले ए का जो रहेगा उसको लिख देंगे और इधर वाले ए को ए ही रहने देंगे। अभी हम एक प्रॉब्लम, अभी एक क्वेश्चन लेकर अभी हम बनाएंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, रूल क्या, पहला क्या बोलता है, क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको आगे बढ़ाने समय मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई देखिए सी आई जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सी जे में और जे को आई में, कहने का मतलब क्या कि अगर कॉलम वन को कॉलम टू में कर सकते हैं और कॉलम टू को कॉलम वन में कर सकते हैं, कॉलम वन को कॉलम थ्री में कर सकते हैं, कॉलम थ्री को कॉलम वन में कर सकते हैं, टू को थ्री में, थ्री को टू में, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए आई जे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर आई को हम क्या कर सकते हैं, आर जे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आर जे को आर आई में, कहने का मतलब क्या, आर वन को आर टू कर सकते हैं आर टू में कन्वर्ट, आर टू को आर वन में कर सकते हैं, और आर थ्री को आर टू में, इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रो को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, ये जानना है कि अगर सी आई है यहाँ पे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस के सी, सी आई प्लस के सी आई, कहने का मतलब क्या कि अगर हमारे पास सी वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वन प्लस टू सी वन, टू हो थ्री हो फोर हो कुछ भी, टू सी वन, मतलब कि इसमें कुछ और ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आर आई दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, आर आई, ठीक है, और यहाँ पे के और आर प्लस के इंटू आर आई, देखिए आर आई प्लस के इंटू आर आई, कहने का मतलब क्या, आर वन और फिर यहाँ पे हो जाएगा आर वन प्लस फोर आर वन, ठीक है, मतलब कि R1 R1 यहाँ पर R1 मतलब कि इसी रूल में किसी और से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे इसको कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट है, इनको समझना जरूरी है, कुछ भी नहीं कर देना है, कुछ भी करके नहीं ला देना है आंसर, ठीक है। तो ये सब करना जरूरी है, हम यहाँ पे प्लस बताएं, आप माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते हैं, तो प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए, इस तरह से एक्सचेंज कर लीजिए, ये सब कर सकते हैं। और एक और क्या होगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सी आई आपके पास है तो डायरेक्ट उसमें आप के से मल्टीप्लाई करके सी आई कर दीजिए, मतलब कि कोई अगर आपके पास कॉलम वन है तो आप टू से कॉलम वन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको
चेंज कर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आर आई है आपके पास तो इसको क्या कीजिएगा, के आर आई कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आर वन। अगर है तो अगर फोर कुछ भी के की जगह पे कुछ भी 4 3 2 1 माइनस कुछ भी, इसीलिए कोई एक एग्जांपल लेकर चल रहे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आप आर वन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, इतने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप इसको बनाइए। एक क्वेश्चन लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 1 1 1, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ये होता क्या है। तो पहला हम क्या बोले हैं, पहले लेट करेंगे, तो यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू आई ए। फिर क्या बोले हैं कि इस ए को लिखेंगे क्या है 2 1 1 1, ठीक है। इस आई को लिखेंगे जितने ऑर्डर में ए दिया होगा उतना ही ऑर्डर में, ये 2 × 2 में है तो ये भी 2 × 2 में लिखेंगे, तो 1 0 0 1, और यहाँ पे हमारा 1 0 0 1, और यहाँ पे हमारा ए वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा काम हमारा कि इधर ये जो है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी चेंज हो, लेकिन इसको हमको इसमें कन्वर्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे 1 ला देना है, यहाँ पे 1 ला देना है, इन दोनों को 0 कर देना है, और इन सभी रूल का यूज करके, इन सभी रूल में से किसी रूल का यूज करके। और एक बात ध्यान रखिएगा, कॉलम के साथ कुछ भी कीजिएगा तो कॉलम में ही चेंजिंग कीजिए, यानी कि कॉलम आप बना रहे हैं और रो को घटा जोड़ के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, C1 + 2, अगर यहाँ पे C1 लिखा हुआ है तो C1 को ही चेंज करना है, और C1 में ही C1 के दोगुने से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जैसे देखिए इसमें अगर हम ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो हम रूट वन का R1 का काम करेंगे और क्या लिखेंगे, R1 - R2। R1 का काम कर रहे हैं मतलब इस रो वन का काम कर रहे हैं और रो वन में से रो टू को घटा रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा, R1 - R2 कर रहे हैं, तो 2 में से 1 गया हमारा 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे R2 का तो हम कुछ नहीं किए हैं तो R2 हमारा वही रहेगा। अब इधर जो काम किए वही काम इधर करेंगे, क्या है R1 - R2, तो 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें से 1 घटाएंगे 0 में से 1 तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना है 0 और 1, ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए अब हमको इसको 0 लाना है यहाँ पे, तो अब R2 का हम काम कर लेंगे, R2 का, और R2 को क्या करेंगे मतलब R2 को प्रोसेस करेंगे। R2 का काम करने का मतलब क्या है कि R2 पे हम लोग प्रोसेस करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो R2 - R1 हो जाएगा। अगर R2 में से R1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें से 1 में से 0 को घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा, ऊपर से घटाते तब ना -1, नीचे से ऊपर घटाएंगे, ये हो जाएगा कि यहाँ पे लेंगे तो 1 0, ये तो हमारा उसी तरह रहेगा। इसको जब इसमें से R2 में से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा। इज इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, अब देखिए R2 में से जब इसको घटाएंगे ये 1 और -1 ऐसे ही रहना दीजिए, क्योंकि हम R1 के कुछ नहीं कर रहे हैं, R2 के लिए कर रहे हैं, R2 का काम कर रहे हैं। तो R2 - R1, तो 0 में से 1 गया 1, ठीक है, यानी कि -1, 0 में से 1 जाएगा -1। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे हम तो 1 में से अगर -1 को हम घटाते हैं तो -1 प्लस हो जाता है, तो 1 1 2 ना हो जाएगा हमारा, तो अभी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ a। अब क्या होगा कि ये वाला हमारा i में कन्वर्ट हो गया। हम क्या बोले थे कि इसको प्रोसेस करके इस सब का यूज करके आपको इसको क्या करना है, इसके तरह कर देना है, और इधर कोई भी चेंजिंग हो उससे कोई मतलब नहीं, ये चेंज हो गया, यानी हमको इधर मिल गया ये, यानी कि अगर a इनवर्स हम निकालने जाएँ ए इनवर्स तो क्या होगा, जो ए के साथ ही आया है वही हो जाएगा, यानी 1 - 1 - 1 और 2, यानी ये हमारा हो जाएगा ए इनवर्स। तो इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब इतने आसानी से बन गया, छोटा क्वेश्चन लिए थे बन गया आसानी से। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस रूल का कैसे यूज करना है, ठीक है। R1 लिखे हैं तो R1 वाले के लिए ही काम करना है, और जैसे ये करना है वैसे घटा घटा कर बनाना है, ठीक है ना। मतलब कि इसके लिए वर्क करना है, इस पे हम लोग को प्रोसेस करना है, इस पे काम करने का मतलब कि उस पे प्रोसेस करना है।